अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो है वो ट्रांसमिशन क्या होती है और ट्रांसमिशन प्लानिंग टेलीकॉम नेटवर्क्स में किस तरह से की जाती है। क्योंकि ये एक इब्तदाई नौयत की वीडियो है तो ये बहुत ज़्यादा तफसील में हम नहीं जाएंगे, यानी जैसा कि इसका नाम इंट्रोडक्शन टू ट्रांसमिशन प्लानिंग है तो हम इसको ज़्यादा इंट्रोडक्शन की तरफ ही रखेंगे। तो पहले थोड़ा सा मेरा तारुफ हो जाए। मेरा नाम अब्दुल अजीज खान है और मैं एक टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, PMP सर्टिफाइड, और 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है नेटवर्क परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क्स में। और पाकिस्तान और गल्फ में मैं मुलाजमत करता रहा हूँ। आजकल मेरा ज़्यादा जो है वो शौक़ कुछ ब्लॉगिंग और ये वीडियो बनाने की तरफ, व्लॉगिंग की तरफ है, और मैं अपनी वीडियोस वगैरह बना के यूट्यूब पर डालता हूँ या कुछ ब्लॉग्स वगैरह मैं लिंक्डइन के ऊपर लिखता रहता हूँ। इसके अलावा लर्निंग का मुझे हमेशा से शौक है। STN, NFV, बिग डेटा वगैरह को सीखने की कोशिश में मैं लगा रहता हूँ। मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं डायरेक्ट ईमेल करके या लिंक्डइन के ऊपर मुझसे कनेक्ट हो जाएं, और इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो हम अपने सब्जेक्ट की तरफ वापस चलते हैं। तो सबसे पहले ये है कि ट्रांसमिशन क्या है। तो जब एक जगह पे आप बैठे हो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, और आमतौर पर जब ट्रांसमिशन का जिक्र आता है तो हमारे जहन में कार ट्रांसमिशन जो है वो सबसे पहले आती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गाड़ी में एक इंजन होता है जो कि सारी पावर पैदा कर रहा होता है, सारी जो गाड़ी की ताकत है वो इंजन में पैदा होती है, और फिर वो इंजन से गाड़ी के पहियों में पहुंचाई जाती है, क्योंकि गाड़ी जो है वो बेसिकली पहियों के ऊपर चलती है। तो ताकत इंजन में जनरेट होती है, इंजन में पैदा होती है और वो पहियों तक पहुंचती है। तो इस तरह से इंजन से पहिए की तरफ जाने के लिए जो बीच में हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो ट्रांसमिशन कहलाती है, कि वो जो गाड़ी में जो पावर जनरेट हो रही है उसको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंचा दे। तो ये ट्रांसमिशन जो है ये वन साइडेड होती है, यूनिडायरेक्शनल इसको हम कहते हैं, यानी ये एक तरफ से होती है, यहाँ पे सारी पावर पैदा होती है और यहाँ पे वो कंज्यूम की जाती है, और इस तरह से ये इंजन जो है वो इस पहिए को चलाता है और आपकी गाड़ी जो है वो आगे चलती है। और ऐसा कि हम इसमें देख सकते हैं कुछ कंट्रोल की चीज़ें भी होती हैं, इसमें क्लच हैं, गियर्स हैं और कुछ जॉइंट्स वगैरह हैं, तो आप इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, आप गाड़ी को तेज़ या आहिस्ता चला सकते हैं, तो इस पावर को आप कंट्रोल भी करते हैं। इसी तरह से जब एक और ट्रांसमिशन का जिक्र होता है तो जो लोग पावर इंजीनियरिंग में है उनको थोड़ा सा आइडिया होगा, वो पावर जनरेशन है। पावर जनरेशन आमतौर पर पाकिस्तान में जैसे हाइडल पावर, पानी से बहुत ज़्यादा पावर जनरेट होती है, फिर थर्मल जनरेशन है, सोलर जनरेशन है, और ये पावर जो है ये हमारे घरों में दफातर में इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें भी पावर जनरेट होती है किसी एक जगह पे और वो इस्तेमाल होती है किसी और जगह पे, तो रास्ते में हमें एक मीडियम चाहिए होता है जो कि पावर को यहाँ से लेके हमारे घरों तक पहुँचा सके। तो ये जो मीडियम है ये ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है, और ये भी यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी पावर एक तरफ से फ्लो करती है, दूसरी तरफ वो पहुँचती है, यानी यहाँ पर हम पावर जनरेट करते हैं और इस जगह पर हम उस पावर को खर्च करते हैं, और ये जो बीच की चीज है ये एज अ मीडियम यूज होती है। तो अब हम देखते हैं कि जब हम टेलीकॉम डोमेन की बात करते हैं तो इसमें ट्रांसमिशन का क्या मतलब है। टेलीकॉम डोमेन में भी हमारे, चूंकि टेलीकॉम डोमेन में हमारा ज्यादा जो वास्ता होता है वो इंफॉर्मेशन या मीडिया या डेटा से या फिर लोगों की आवाज के साथ है, जैसे लोग एक दूसरे को कॉल करते हैं, तो इसमें हम जैसे मिसाल के तौर पे हमारे कुछ कंटेंट प्रोवाइडर हैं जो कि वीडियोस बना रहे हैं, जैसे फर्ज कर लें कि OSN है, नेशनल ज्योग्राफिक है, नेटफ्लिक्स है, या ये सारे जो हमारे कंटेंट प्रोवाइडर हैं ये कुछ वीडियोस बनाते हैं, तो ये वीडियोस जो हैं वीडियो सर्वर के ऊपर मौजूद होती हैं, तो ये हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जनरेशन होती है डाटा की। इसी तरह इंटरनेट का एक क्लाउड है, इंटरनेट है, उसमें यूट्यूब भी है, फेसबुक है, गूगल है, या आप इससे वॉइस कॉल्स भी मसलन इसी के थ्रू कर सकते हैं आप, तो ये एक इंटरनेट का क्लाउड है, यहाँ पे आप भी आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है।
आपको एंटरप्राइज नेटवर्क्स हैं जिसमें आपका एक नॉर्मल इंटरनेट है, फिर आप अगर अपने दफ्तर के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, मसलन आप कोई आउटलुक यूज़ करते हैं या ईमेल के लिए आप कोई और चीज़ यूज़ करते हैं, या आप अपने जहाज़ बुक की बुकिंग कराते हैं, होटल की बुकिंग वगैरह करवाते हैं, तो आपका एक इंटरप्राइज नेटवर्क भी होता है और यहाँ पे भी आपकी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। और इसके साथ आपका जो है वो एक एंड यूज़र है। एंड यूज़र जो है वो या तो कोई एक नॉर्मल मोबाइल यूज़र हो सकता है, या कोई बहुत बड़ा ऑफिस हो, कोई पब्लिक ऑफिस, या कोई मीडियम ऑफिस, या कोई स्मॉल ऑफिस। तो आपके मुख्तलिफ किस्म के यूज़र्स होते हैं, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो आपने इन यूज़र्स तक पहुँचानी होती है। तो ये अगर आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज करें तो ये वही, यानी जो हम पीछे ट्रांसमिशन की बात हमने की थी, तो ट्रांसमिशन का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल वही है कि ट्रांसमिशन में एक जगह पे कोई चीज़ जनरेट हो रही है, कोई पावर है या कोई इंफॉर्मेशन है, और वो उसके कुछ उसकी यूज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ जगह पर है, तो बीच में आपको एक मीडिया चाहिए होता है जो कि उस कनेक्टिविटी को पूरा कर दे। तो इसमें जैसा कि हम जानते हैं डेटा सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ये सर्विसेज जो हैं वो लॉन्च की जाती हैं, और आपके यूज़र जो हैं वो इस डेटा सेंटर को कनेक्ट करते हैं किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया के ज़रिए। और इस तरह से आपका जो यूज़र है वो यहाँ से, जैसे ये एक यूज़र जो इनमें से कोई भी सर्विस वो इस्तेमाल कर सकता है। एक थोड़ा सा फ़र्क सिर्फ ये होता है बाकियों के मुकाबले में कि ये जो ट्रांसमिशन है ये बाई डायरेक्शनल होती है, क्योंकि इसमें यूज़र भी कुछ डाटा जनरेट कर सकता है जो कि वो इस तरफ भेज सकता है। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे अगर मैं एक यूज़र के तौर पे एक वीडियो बनाऊँ और मैं उसको YouTube में अपलोड करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से डाटा YouTube को भी भेज सकता हूँ, और इसी तरह कोई दूसरा यूज़र बस YouTube की वीडियो को देख सकता है। तो इसमें जो डाटा की डायरेक्शन है, जो डाटा है वो दोनों तरफ से आता जाता रहता है। तो अब हम ये देखते हैं कि कितनी किस्म की हमारी ट्रांसमिशन होती है फिजिकल फिजिकली यानी। तो फिजिकली हमारी एक तो जो होती है वो वायरलेस ट्रांसमिशन है, इसमें हमारी लाइट और माइक्रोवेव आ जाती हैं। लाइट के अंदर जो है वो हमारे पास फ्री स्पेस ऑप्टिक्स है, लाइफाई है या इंफ्रारेड है। इनकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, इनकी डिटेल जो है वो हम फिर कभी बाद में किसी और लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो माइक्रोवेव, हमारे पास माइक्रोवेव रेडियो होते हैं, वाईफाई होता है, इसके अलावा सेटेलाइट भी होता है। वैसे वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा वैसे, लेकिन सेटेलाइट नेटवर्क भी होते हैं हमारे। और ये जो है वो लाइसेंस या अनलाइसेंस हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है उस मुल्क की रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर कि कौन कौन से स्पेक्ट्रम जो है वो लाइसेंस्ड हैं और कौन कौन से नॉन लाइसेंस्ड हैं। तो उसके बाद जो दूसरा तरीका होता है वो वायर्ड होता है। वायर्ड में हमारे पास या तो ऑप्टिकल फाइबर है या फिर कॉपर केबल होती है, और कॉपर केबल जो होती है वो डिफरेंट डाया या डिफरेंट कैटेगरीज की होती है। जैसे आपने कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6 वगैरह का नाम सुना होगा, या फिर कोएक्सियल केबल होती है जो कि आमतौर पर टीवी में आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, केबल टीवी वगैरह में। ऑप्टिकल फाइबर में हमारे पास सिंगल मोड मल्टी मोड फाइबर्स होती हैं जो कि 1550, 1310 या 850 नैनोमीटर के ऊपर काम करती हैं। ऑप्टिकल फाइबर के लिए मेरा एक अपना वीडियो लेक्चर्स कुछ मौजूद है, 3 लेक्चर्स की सीरीज़ है, अगर आप वो देखें तो आपको उसमें ऑप्टिकल फाइबर के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। लेकिन फिजिकल लेवल पे ये हमारे दो मेन, समझे, वायर्ड और वायरलेस, दो मेन फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ट्रांसमिशन की। फिर स्पीड और टेक्नोलॉजी के लिहाज से फिर हमारी दो, समझें कि मेन इसके दरमियान दो टेक्नोलॉजीज हैं हमारी। एक तो ईथरनेट कहलाती है। ईथरनेट में जो है वो हमारे पास या तो मेगाबिट पर सेकंड के चैनल्स होते हैं या गीगाबिट पर सेकंड्स के चैनल होते हैं। मेगाबिट पर सेकंड होता है ये आमतौर पे कॉपर के ऊपर होता है, ये फाइबर के ऊपर भी हो सकता है लेकिन आमतौर पर कॉपर के ऊपर होता है, और ये अप टू 100 मेगाबिट पर सेकंड, ये 100 मेगाबिट पर सेकंड तक जाता है। जो गीगाबिट पर सेकंड है ये कॉपर पे भी हो सकती है और ये फाइबर, लेकिन ये ज़्यादातर फाइबर के ऊपर होती है जिसकी बहुत हाई कैपेसिटी है। जैसे ये 400 गीगाबिट का जो चैनल होता है ये फाइबर के ऊपर जाता है। उसके अलावा हमारा एक और सिस्टम होता है, एक और टेक्नोलॉजी होती है जो कि TDM या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स कहलाती है। ईथरनेट जो है वो पैकेट टेक्नोलॉजी है, तो इसमें पैकेट्स होते हैं। TDM में जो है वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स सिस्टम होता है, तो इसमें जो है वो जो डाटा होता है वो एग्जैक्ट टाइम स्लॉट्स के ऊपर चलता है।
इसमें हमारे पास जो मेन दो क्लासिफिकेशंस हैं वो एसटीए जो है और फिर डीडब्ल्यूडीएम या ओटीएन है। डीडब्ल्यूडीएम जो है वो टीडीएम ही की आप हमने थोड़े से डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि ये टाइम डिवीजन नहीं होती है वैसे, लेकिन ये वेवलेंथ डिवीजन होती है। तो इसमें भी बहरहाल जो रिसोर्स है वो हम डिवाइड कर रहे होते हैं। एसटीए जो हमारे पास ई1s और एसटीएम1s होती हैं, जबकि डीडब्ल्यूडीएम हमारे पास लैम्डास होते हैं, और इन लैम्डास के ऊपर आप STM1s या फिर ईथरनेट कोई भी चीज़ इसके ऊपर आप कैरी करवा सकते हैं। E1s जो हमारी होती हैं वो 63 E1s तक, 63 E1s जो हैं वो फिर एक STM1 में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अगर हम E1 लेवल पे हों तो हम 63 E1s जो हैं वो कैरी कर सकते हैं। STM1 लेवल पे अगर हम हों तो हम 256 STM1s कैरी कर सकते हैं, जो कि तकरीबन अगर हम उसको ईथरनेट में कन्वर्ट करें तो वो एक 10 GB का पाइप बनता है। अच्छा, लैम्डा की सूरत में हम एक फाइबर के ऊपर 192 लैम्डास जो हैं वो कैरी कर सकते हैं, और यह हर लैम्डा जो है ये 10 गीगा या 100 गीगा या 400 गीगा तक जा सकता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक लैम्डा अगर फ़र्ज कर लें 100 गीगा पे हो और 192 लैम्डा हो आपके पास, तो आप तकरीबन 1.9 TB/s की कैपेसिटी के ऊपर जा रहे होंगे, जो कि एक बड़ी अच्छी बड़ी हाई कैपेसिटी है। तो ये जो अभी आपको पीछे मैंने थोड़ा सा बताया मुख्तलिफ़ किस्म की TDM ईथरनेट वगैरह और जो फिज़िकल और वायरलेस और वायर टेक्निक्स हैं, इसको फिर हम अपनी प्लानिंग में यूज़ करते हैं। जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस किस्म के नेटवर्क को किस किस्म की टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके जाएँ, कौन से नेटवर्क ऐसे हैं जो कि किस टेक्नोलॉजी को इनहेरेंटली बहुत आसानी से अपने साथ जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो प्लानिंग में हमारे पास हमारे जहन में एक तो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी मुख्तलिफ चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे साइट इश्यूज़ हैं। आप जब एक नेटवर्क प्लान करते हैं तो आपके पास उसके लिए बहुत सारी साइट्स होती हैं, क्योंकि आप साइट टू साइट कनेक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो हर साइट के अपने इशूज़ होते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर पावर और स्पेस का इशू होता है। अगर आप कोई नया एलिमेंट नेटवर्क एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो आपको उस एलिमेंट के लिहाज से पावर और स्पेस चाहिए। अच्छी तरह जब आप नेटवर्क बना रहे हैं तो आप जो सर्विस दे रहे हैं वो सर्विस वॉइस सर्विस है या गेमिंग सर्विस है या फाइनेंशियल सर्विस है या बैंकिंग सर्विस है, तो सर्विस की एक डिले रिक्वायरमेंट और एक कैपेसिटी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे वीडियो सर्विस बहुत हाई कैपेसिटी और बहुत मिनिमम डिले मांगती हैं, इसी तरह गेमिंग सर्विस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी उतनी तो वीडियो सर्विस जितनी हाई कैपेसिटी तो नहीं होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिले सेंसिटिव होती है। आजकल जो नई जितनी भी नई चीज़ें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा डिले सेंसिटिव हैं, तो आपकी जो सर्विस है वो कैपेसिटी और डिले को जो है वो इसको उसको पूरी तरह से उसका ख्याल रखे कि जी जो सर्विस आप दे रहे हैं उसमें डिले और कैपेसिटी जो है वो पूरी तरह से उसका, यानी आप ये ना हो कि डिले रिक्वायरमेंट को आप पूरा ना कर सकें और फिर आपका जो कस्टमर है वो उसकी वजह से कस्टमर हर्ट होगा, फिर कस्टमर जो है वो आपकी सर्विस को छोड़ देगा। उसके अलावा चूँकि हर चीज़ का एक बिज़नेस केस होना चाहिए, क्योंकि बगैर पैसे के, यानी अगर आप एक टेलीकॉम सर्विस भी दे रहे हैं तो आपने एट द एंड ऑफ द डे उसे आपने कुछ पैसे ही कमाने हैं, तो आपको बजट और बजट में भी ख़ास तौर पे आपको टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की तरफ जाना चाहिए कि अगर मैं एक नई एक्सपेंशन कर रहा हूँ या मैं एक नया नेटवर्क लगा रहा हूँ या मैं नेटवर्क को बढ़ा रहा हूँ तो सूरत में क्या ये मेरी जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो इतनी हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि मेरी रिक्वायरमेंट बहुत कम है और मैं बहुत हाई फाई नेटवर्क लगा दूं, मैं बहुत लो डिले नेटवर्क लगा दूं जहां पे मैं बहुत ज़्यादा डिले भी बर्दाश्त कर सकता हूं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके जहन में होनी चाहिए। उसके अलावा आप जो नेटवर्क लगा रहे हैं उसके ऑपरेशन मेंटेनेंस जो है वो कौन करेगा, कितनी आसान है या मुश्किल है, कौन कौन से टूल उसमें यूज़ होते हैं, उस टूल के एक्सपर्ट्स आपको इतने आराम से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिर बात चीज़ें वेंडर स्पेसिफिक होती हैं कि जी मसलन वेंडर की रोड मैप क्या है, मसलन आप फ्यूचर में कोई सर्विस लाना चाहते हैं, आपका वेंडर उसको फ्यूचर में सपोर्ट भी करेगा या नहीं करेगा, वो सर्विस के बारे में जानता भी है या नहीं, फिर वेंडर फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट करें आप किसी वेंडर से एक नेटवर्क ले लें और एक साल बाद वेंडर बैंकरप्ट हो जाए तो फिर आपके उस नेटवर्क को कौन देखभाल कौन करेगा, क्योंकि उसका तो वेंडर ही बैंकरप्ट हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, यानी ये कोई लिस्ट एग्जॉस्टेड लिस्ट नहीं है, इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स ऐड भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन कम से कम ये इतने सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपके जहन में होने चाहिए। जब आप एक नेटवर्क को प्लान करते हैं तो आपके जहन में बहुत सारी बातें होनी चाहिए और आपके पास इस तरह के तमाम सवालों के जवाब होने चाहिए जो आप किसी के पास जाके किसी मैनेजमेंट में किसी को प्रेजेंट करेंगे
जी ये मैंने एक चीज सोची है, ये मैं एक नया काम करना चाहता हूँ। जब आपसे वो ये सारे सवाल करेगा तो आपके पास इन सवालों के जो है वो वक्त के लिहाज से बिल्कुल सही जवाब होने चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये एक इंट्रोडक्शन था, बिल्कुल एक आपके जहन में एक आइडिया डालने के लिए था कि आपको कुछ आइडिया हो। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं, और आप मुझसे इन तरीकों में से किसी भी तरीके से आप मुझे ईमेल करें, या लिंक्डइन के ऊपर, या आप मेरी इस वीडियो के ऊपर ही कमेंट करें। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।